आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और सेवेंथ फेज नियमावली के ऊपर जो है, मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने आज पूर्णिया के महासभा में क्या संबोधित किया, महासभी रैली में क्या संबोधित किया, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज जो है पूर्णिया में जो है आरजेडी और जितने भी मतलब सत्ता में धारी बैठे नेता हैं, उन सभी लोगों का जो है वहां जो है गठबंधन का रैली था, जहां पर जो है शिक्षा को लेकर जो है सवाल पूछने के बाद जो है मुख्यमंत्री थोड़ा सा मतलब अलग ही मूड में दिखे, थोड़ा गुस्साए मूड में दिखे। साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला है, एक बार फिर उनकी बातों को सुन लीजिए। क्या ये बातें फिर उनकी हवाबाजी है या क्या सही है, तो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या ये बात आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। क्योंकि सरकार हमेशा बच्चों को जो है बलगराने का कार्य करती है, साथ ही साथ जो है उनको अपना फायदे की बात जो है सिर्फ नजर आता है। वहां रैली था जिसकी वजह से इस तरह की बातें कही गई है, तो आप सभी लोग जरूर सुनिए। हे आप शिक्षक वाला बात मत बोलो, अरे सुनो, यहां पर कहे के लिए आए हो? अरे यहां पर आपको मालूम है कितने शिक्षकों की बहाली हुई और कितने शिक्षकों की हम बहाली करने वाले हैं? कौन आप लोगों को गलत चीज बता रहा है? बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी, चिंता मत करो, बड़े पैमाने पर बहाली होगी। और आज जिसको जितना हम दे रहे हैं तनख्वाह, उससे भी ज्यादा हम लोग बढ़ाने वाले हैं, इसलिए सब चिंता मत करो। एक एक बात कह रहा हूं उसको सुनोगे नहीं, आज दस लोगों को कोई समझा देता है कि बोलते रहो, ये सब गलत है, आप लोगों को पता नहीं है। हर चीज होगा, बहुत अच्छे ढंग से होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और काम मिलेगा, इसे शब्द मत बोलो। अभी जो बोल रहे हैं, एक बात बताओ, आपस में झगड़ा नहीं ना करोगे? सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का भाव रखोगे ना? तो यही चीज करिएगा आप लोग, तो मिलजुल करके आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और हम लोग अब मिल गए हैं सात पार्टी, अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी हम लोग कह रहे हैं कि अन्य लोग भी और सब लोगों से बात हो रही है, सब एकजुट हो जाएंगे तो आप जान लीजिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और कभी